तो कैसे हैं आप लोग, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं WCC2 यानी वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप 2 के न्यू अपडेट के बारे में। क्योंकि आपको पता ही होगा कि WCC2 का न्यू अपडेट जो है काफी समय से नहीं आया। जो प्रीवियस अपडेट में देखने को मिला था वो देखने को मिला था 27 अप्रैल को, बोल रहा हूँ यार 27 अक्टूबर को, और उसमें जो मल्टीप्लेयर में बग्स थे वो फिक्स किए गए थे। और अगर कोई बड़े फीचर के बारे में बात करें तो उसमें हमें नहीं देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे IPL का सीजन जो है स्टार्ट हो चुका है और कुछ ही समय के बाद मेंस का IPL भी स्टार्ट होने वाला है। तो उसी की वजह से आपको जो है एक अपडेट देखने को मिल सकता है WCC2 में, जिसमें एक फीचर तो कंफर्म है कि जो बग्स है वो फिक्स किए जाएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा बग्स भी इसमें आ चुके हैं वो फिक्स किए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कुछ और फीचर्स के बारे में, तो आपको पता होगा NPL 2022 यानी IPL उसको बोल सकते हो WCC2 का, उसमें जो 2022 वाला अपडेट जो है वो उन्होंने खास तौर से IPL के लिए निकाला था। तो हो सकता है इस बार भी खास तौर से IPL के लिए एक अपडेट आ जाए, लेकिन इसके चांसेस अभी तक कितने हैं ये तो कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन एक अपडेट कम से कम आपको देखने को मिलने वाला है जिसमें बग्स तो फिक्स होंगे ही, हालांकि ये कोई मेगा अपडेट होगा या फिर नहीं होगा इसके बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिली। जैसे ही कोई कंफर्मेशन मिलेगी तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन ये बात कंफर्म है कि जैसे ही IPL स्टार्ट होगा उसके बीच में हमें जो है एक अपडेट, उससे पहले या फिर IPL के बीच में एक अपडेट बहुत ही बढ़िया सा या फिर एक छोटा मोटा अपडेट जो है WCC2 में देखने को मिलेगा वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप 2 में। तो बस यार इतना था आज की वीडियो में। और हाँ, एक और बात, ऑल स्टार वाला फीचर अभी WCC3 में स्टेबल तरीके से लेकर नहीं आई कंपनी, तो उसके भी चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है WCC2 में आने के। यानी अभी WCC3 में जो फीचर अभी न्यू आया है तो वो WCC2 में तो नहीं आने वाला। अभी WCC3 में जब वो फीचर जो पुराना हो जाएगा तब यहाँ पे WCC2 में आएगा। तो बस यार इतना था आज की वीडियो में।